तो गाइज आप सबको पता है इंडियन बाइक ड्रीम 3D गेम का न्यू अपडेट आ चुका है एंड उसमें जो है आप लोगों को काफी सारे न्यू चीट कोड देखने को मिले हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को न्यू चीट कोड बता दिए हैं और गाइज इसमें आप लोगों को आर्मी टैंक भी देखने को मिला है और ट्रैक्टर भी देखने को मिला है और क्रेन भी देखने को मिली है। लेकिन गाइज उनके जो है मैं चीट कोड आप लोगों को बताना भूल गया था ट्रैक्टर वगैरह के। तो गाइज आज की वीडियो में होने क्या वाला है, आज की वीडियो में आप लोगों को ट्रैक्टर का भी चीट कोड बताऊंगा और आर्मी टैंक का भी और क्रेन का भी एंड और भी कुछ न्यू चीट कोड आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो गाइज जो है आज की वीडियो होने वाली सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वही जैसे कि आप सबको बताया अपना जो न्यू अपडेट आया उसमें आप लोगों को नाइट मोड भी देखने को मिला है। अब जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरी सिटी में यहाँ पर जो है नाइट हो रखी है और अगर आप लोग डे मोड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप लोग 9 डायल कर सकते हो। 9 डायल करोगे तो यहाँ पर अपना डे मोड भी एक्टिवेट हो जाएगा और अगर दोबारा से आप लोग नाइट मोड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप लोग फिर 9 डायल कर सकते हो और यहाँ पर नाइट भी हो जाएगी। मतलब अगर आप लोग डे करना चाहते हो तो भी नाइट डायल कर सकते हो और अगर आप लोग नाइट करना चाहते हो तो भी 9 डायल कर सकते हो। तो अब बात करते हैं क्रेन का चीट कोड क्या है और ट्रैक्टर का चीट कोड क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ न्यू चीट कोड। तो फर्स्ट नंबर पर जो गाइस अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है अपना नाइट मोड का। जैसे कि आप सबको बताए 9 डायल करना है तो अपना नाइट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। और गाइस अब जो यहाँ पर अपना सेकंड नंबर पर चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है अपना ट्रक का, जिसका चीट कोड है गाइस 1212। और देखो यहाँ पर जो है अपना ट्रक स्पॉन हो चुका है लेकिन गाइस इसके पीछे जो है ट्रॉली नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो इसके पीछे हमें ट्रॉली नहीं देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप लोग इसके पीछे ट्रॉली लगाना चाहते हो तो आप लोग करना क्या है गाइस, आप लोगों को 0 डायल करना है और साथ में 1212 डायल कर देना है। तो यहाँ पर स्पॉन जाएगा गाइस अपना ट्रॉली ट्रक। आप लोग देख सकते हो जो अपना ट्रॉली ट्रक है वो यहाँ पर स्पॉन हो चुका है एंड इसकी जो ट्रॉली है सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी ट्रॉली है इसकी। और देखो अगर आप लोग डे मोड करना चाहते हो तो फिर से 9 डायल कर सकते हो। और गाइस आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कोई भी कार वगैरह को इस ट्रॉली ट्रक के अंदर लोड कर सकते हो। कैसे, अभी देखो मैं यहाँ पर डायल करता हूँ 3333। तो अपनी जो लैम्बोर्गिनी है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है अपने ट्रॉली में। आप लोग देख सकते हो जो अपनी ट्रॉली में है लैम्बोर्गिनी पहुँच चुकी है और अब आप लोग अपने ट्रक को आराम से ड्राइव कर सकते हो अपने कोई भी कार एंड कोई भी बाइक को लोड करके। देखो जैसे मैं अभी यहाँ पर कर पा रहा हूँ तो आप लोग कुछ इस तरीके से सभी बहुत सारे व्हीकल को अपनी ट्रॉली में लोड करके अपने ट्रक को चला सकते हो। तो गाइस अब जो यहाँ पर अपना थर्ड नंबर पर चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है अपना 606। इससे क्या होगा गाइस, इससे स्पॉन होगा अपना फायर ट्रक। आप लोग देख सकते हो जो अपना फायर ट्रक है वो यहाँ पर स्पॉन हो चुका है। और गाइस काफ़ी लोग कॉमेंट कर रहे हैं कि हम फायर ट्रक का यूज़ कैसे करें, मतलब इसमें हम पानी कैसे छोड़ें अपने फायर ट्रक से। तो गाइस अभी देखो आप लोगों को वहाँ पर सामने तो देखने को मिलता है जिससे पानी बाहर निकलता है लेकिन अभी जो है इसके कंट्रोल्स नहीं ऐड किए गए हैं ताकि जिससे जो है वाटर बाहर की तरफ फेंके। देखो ये आगे की साइड आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ से जो है जहाँ से मतलब पानी निकलता है ना जिससे आग बाग बुझाते हैं तो वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल चुका है। लेकिन गाइज इसके जो है अभी कंट्रोल नहीं ऐड किए गए हैं ताकि जो है ये अपना वर्क कर सके। तो अगर आप लोग इसके कंट्रोल्स को ऐड करवाना चाहते हो आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना होगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है आप लोग इसके कंट्रोल्स को कैसे ऐड कर सकते हो। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना। और हाँ गाइज आप लोगों को इसमें जो अपना बड़ा वाला एरोप्लेन है उसके भी कंट्रोल्स मैंने ऐड कर दिए हैं, कैसे किए हैं वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ बताया हुआ है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पर जो चीट कोड होने वाला है किस चीज़ का होने वाला है। और गाइज हाँ ये अपना जो ट्रक है ना ये ट्रक इतना ज़्यादा खतरनाक है। अभी जैसे देखो मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ, पहले देखो मैं आप लोगों को इसको चलाकर दिखाता हूँ। तो आप लोग करना क्या है, कोई भी कार को स्पॉन करा लेना है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर स्पॉन करा दी है अपनी थार, वो रही अपनी थार। और देखो अब जैसे मैं इस ट्रक को थार के पास लेके जाऊँगा तो जो अपनी कार है वो यहाँ पर उड़ जाएगी। देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितनी आराम से इसने कार को पलटा दिया है। तो मतलब जो अपना ट्रक है बहुत ही खतरनाक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी है अपना ट्रक, इसने जो है अपनी कार को भी उड़ा के फेंक दिया है। तो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चीट कोड की तरफ। तो गाइस जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है लेजेंडर कार का। जी हाँ गाइस इसमें आई अपनी फॉर्चूनर जिसका चीट कोड है गाइस 1001।
और देखो यहाँ पर जो अपनी फॉर्चुनर है वो यहाँ पर लेजेंडर स्पॉन हो चुकी है। और हाँ, एक फॉर्चुनर इसमें ऑलरेडी पहले से ऐड थी जिसका चीट कोड है गाइस 1000। और देखो जैसे मैं यहाँ पर 1000 डायल करता हूँ तो यहाँ पर जो है अपनी ओल्ड वाली फॉर्चुनर आप लोग देख सकते हो कितनी ऊंचाई पर उड़ के चली गई है अपनी फॉर्चुनर। अभी मैं इसको दोबारा से स्पॉन करा के दिखाता हूँ कैसी है अपनी। ये देखो ये कुछ इस तरह की फॉर्चुनर थी अपनी ओल्ड वाली, मतलब ये अपना ओल्ड वाला मॉडल था, एंड जो अपना न्यू आया है लेजेंडर वो भी इसमें ऐड कर दी गई है, वो ये रही। मतलब इस न्यू वाली का चीट कोड है 1001 और जो ओल्ड वाली थी उसका है 1000। तो आई होप आप लोग फॉर्चुनर लेजेंडर का चीट कोड समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट नंबर पर चीट कोड होने वाला है वो कौन सा होने वाला है। तो गाइस जो नेक्स्ट नंबर पर चीट कोड होने वाला है अपना वो होने वाला है घोस्ट राइडर बाइक का। जी हाँ गाइस, ये जो अपनी बाइक है घोस्ट राइडर इतनी पावरफुल है, अगर हम कोई भी अगर ये बाइक किसी भी व्हीकल से टकराती है तो वो व्हीकल फट जाता है। तो हम ट्राई क्या करने वाले हैं गाइज, अब जो यहाँ पर हमारा ये फायर ट्रक है हम जो इसके पास लेके जाएंगे अपनी इस बाइक को और देखते हैं ये अपना फायर ट्रक है क्या यहाँ पर फट पाता है या फिर नहीं। अभी मैं आप लोगों को फॉर्चुनर के साथ ट्राई करके दिखाता हूँ। तो ये जो फॉर्चुनर है यहाँ पर फट चुकी है, तो अब इसको लेकर चलते हैं हम अपने फायर ट्रक के पास, तो देखते हैं फायर ट्रक फट पाता है या फिर नहीं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो जो अपना फायर ट्रक है वो भी यहाँ पर फट चुका है, मतलब ये जो अपनी बाइक है ना ये घोस्ट राइडर इतनी ज़्यादा खतरनाक है, इसने जो है अपने फायर ट्रक को भी तोड़ डाला। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ज़्यादा पावरफुल है अपनी घोस्ट राइडर बाइक। तो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीट कोड की तरफ। तो गाइज जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है अपना 2000। गाइज 2000 से स्पॉन होगी हम सबकी फेवरेट रोल्स रॉयस। आप लोग देख सकते हो रोल्स रॉयस जो है वो यहाँ पर स्पॉन हो चुकी है। और अब आप लोग बोलोगे भाई ये तो ओल्ड चीट कोड है। गाइज काफ़ी लोगों को जो है इन कार्ड्स का चीट कोड नहीं पता है, जो पहले से इसमें ऑलरेडी ऐड थी उनके नहीं पता है, सिर्फ न्यू के पता है। तो जो अपनी न्यू ऑडियंस है उनके लिए तो न्यू चीट कोड होने वाले हैं। तो गाइज जो अपना नेक्स्ट नंबर पर चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है अपना 7000। इससे स्पॉन होगी गाइज अपनी हायाबुसा। आप लोग देख सकते हो जो अपनी हायाबुसा बाइक है वो भी यहाँ पर स्पॉन हो चुकी है। और गाइज अब जो यहाँ पर अपनी नेक्स्ट नंबर पर बाइक होने वाली है वो होने वाली है डुगाटी डीआईवल, जिसका चीट कोड है 777। और हाँ गाइज मैं आप लोगों को मर्सिडीज एंड बीएमडब्ल्यू कार का भी चीट कोड बताऊंगा। तो गाइज पहले जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ ओल्ड चीट कोड बता देता हूँ, मतलब जो अपनी न्यू ऑडियंस है उनके लिए तो न्यू चीट कोड ही होंगे, तो पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। तो गाइज अब जो यहाँ पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है 999। गाइज इससे स्पॉन होगी अपनी यामा वी मैक्स। और गाइज अब जो यहाँ पर अपना नेक्स्ट नंबर पर चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है 555। इससे स्पॉन होगा गाइज अपना एयरप्लेन। और गाइज अब जो यहाँ पर अपना नेक्स्ट नंबर पर चीट होने वाला है वो होने वाला है अपना 9999। इससे स्पॉन होगी गाइज अपनी बुलेट 350। तो अपने बुलेट 350 भी यहाँ पर स्पॉन हो चुके हैं। और गाइज अब मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हो, इस गेम के डेवलपर ने बोला है गाइज इस बार का अपडेट आप लोगों को कैसा लगा। तो आप लोग पहले कमेंट करके बताइए आप लोगों को इस बार का अपडेट कैसा लगा, और उन्होंने ये भी बोला है नेक्स्ट अपडेट में आप लोग क्या ऐड करवाना चाहते हो। मतलब ये सब कुछ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग इसके नेक्स्ट अपडेट में क्या ऐड करवाना चाहते हो। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के नीचे, ऐड करवाना चाहते हो इसके न्यू अपडेट में, मतलब कौन सी कार को ऐड करवाना चाहते हो या कुछ भी, मतलब कुछ नया ऐड करवाना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए इस वीडियो में, वही आप लोगों के लिए इसके नेक्स्ट अपडेट में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा इस गेम के डेवलपर ने बोला है। तो अब बात करते हैं मर्सिडीज कार का क्या चीट कोड है और अपने जो बड़ा वाला एरोप्लेन है उसके कंट्रोल्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो गाइज जो अपना बड़ा वाला एरोप्लेन है उसके जो है आप लोग अभी कंट्रोल्स नहीं ऐड कर सकते हो। जी हाँ गाइज इस वाले अपडेट में जो है हमें वो नहीं देखने को मिले हैं उसके कंट्रोल्स आप लोग कैसे ऐड कर सकते हो, लेकिन हो सकता है न्यू अपडेट में आप लोगों को उसके कंट्रोल्स देखने को मिल जाए। तो आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना है, अगर उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिए। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मर्सिडीज कार का चीट कोड क्या है और बीएमडब्ल्यू का, और हाँ ट्रैक्टर का क्या चीट कोड है जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो गाइज अपनी जो बीएमडब्ल्यू कार है वो भी अभी ऐड नहीं हुई है अपनी इस वाले अपडेट में, इसमें सिर्फ अपनी एक ही कार ऐड हुई है जो है अपनी फॉर्चुनर लेजेंडर। और मर्सिडीज भी ऐड नहीं हुई है, सिर्फ एक ही कार हुई है वो अपनी लेजेंडर है जिसका चीट कोड मैंने आप लोगों को बता दिया है जो है अपना 1001। और जो जो इसके न्यू अपडेट में आए हैं मैंने आप लोगों को उन सभी के चीट कोड्स बता दिए हैं। तो अब बात करते हैं ट्रैक्टर का क्या चीट कोड है। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है अपना जो ये गेम है इसमें जो है आप लोगों को ट्रक भी देखने को मिलता है, एंड जो अपना न्यू अपडेट आया उसमें तो आप लोगों को ट्रॉली ट्रक देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो गाइस उसका भी चीट कोड मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अब जो है काफ़ी लोग कॉमेंट कर रहे हैं जब से इसका न्यू अपडेट आया, भाई हमें ट्रैक्टर का चीट कोड बताओ और आर्मी टैंक का चीट कोड बताओ और क्रेन का चीट कोड बताओ। गाइज देखो इस वाले अपडेट में तो अपनी क्रेन भी नहीं ऐड हुई है और ना ही अपना ट्रैक्टर ऐड हुआ है, लेकिन हो सकता है इसके न्यू अपडेट में ऐड हो जाए, क्योंकि जैसे कि इस गेम के डेवलपर ने बोला है जो भी ऑडियंस बोलेगी वही इसके नेक्स्ट अपडेट में ऐड होगा। तो ये सब आप लोगों पर डिपेंड करता है, अगर आप लोग ट्रैक्टर के बहुत ज़्यादा कॉमेंट करोगे
अगर आप लोग ट्रैक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड करोगे, और डिमांड करनी कैसे है मैंने आप लोग को बता दिया, कमेंट करने आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर आप लोग ट्रैक्टर के ज़्यादा कमेंट करते हो तो वही आप लोगों को इसके न्यू अपडेट में देखने को मिलेगा। तो बस अगर ट्रैक्टर को ऐड करवाना चाहते हो न्यू अपडेट में तो कमेंट कर दीजिए, और अगर क्रेन को ऐड करवाना चाहते हो तो क्रेन ये कमेंट कर दीजिए। तो वो सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप लोग क्या ऐड करवाना चाहते हो, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट करना आप लोगों के लिए मैंने बिल्कुल फ्री कर रखा है। तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला था, आई होप ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी, अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस, आप लोग मुझे मिथ जो है कमेंट करके बताइए, मिथ की वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग जो है बहुत टाइम से कमेंट कर रहे हो भाई ये मिथ बस्ट करो, ये मिथ बस्ट करो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए अपना कोई बढ़िया सा मिथ, वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा मिथ वाली। तो गाइस जल्दी से लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए, कुछ नया चीट कोड बताते हुए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।